अभी अभी जवाब आपको बोतल पी के दिखाएगा। चल जवाब, ये देखना आप इसके शश के। जवाब ये क्या हो रहा है? वेलकम बैक, वी अनदर न्यू व्लॉग के साथ आ गए हैं वापस। सबसे पहले मैं आपसे यही कहता रहता हूँ, जाकर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे। और फिर आ गए हैं भाई हम वापस। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर, वेलकम बैक टू अटेज फ्राइडे। आज जुम्मे, तो ये देखें हमारी मार्बल ग्रीन, कल इसमें मट्टी डाली थी लेकिन पानी लगाना नहीं लगाना इसको, थोड़ी खुश्की देनी है, क्योंकि खुश्की देंगे तो ग्रोथ अच्छी होगी। आजकल हमने ये टेस्ट किया प्लांट्स पे कि जितनी ज़्यादा खुश्की देंगे उतना पौधा अच्छा होगा। ये देखें कल मट्टी डाली थी, अभी तक पानी नहीं दिया, और आजकल मौसम ऐसा चल रहा है और हमारी जगह आपको पता है हर वक्त गीली रहती है। देखें कल समंदरी मट्टी डाली, आज ये देखें गीली हो गई बिल्कुल। ये देखें यहाँ गीली है, यहाँ सूखी है। देखो ये देखो, वो गीली वो सूखी है, गीली ऐसी हमारी जगह थी, इसलिए हमने ट्राई किया कि हमने कटिंग लगाई, इसको पानी कम दिया तो अच्छी होगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्क। आज हम बांध रहे हैं पोथोस, ये देखें इसको बांधा जा रहा है भाई। ये देखें एक ये बांध देगी, और ये प्रोसेस चल रहा है। हमारा चाकू खड़ा हुआ है नीचे, इधर गया, ये रहा ये चाकू हमारा, ठीक है। और आज है फ्राइडे, और देखें कुछ कटिंग मर भी जाती है। ये देख जैसे कि ये मरी हुई, अब इनके साथ न्यू लगानी पड़ेंगी, ये बांधी जा रही हैं। टाइमलेस बनाएंगे हम आप बाद में, लेकिन आप सबसे पहले जाके लाइक और सब्सक्राइब करो। ये देखो अडीनियम बड़ा हुआ है, ये यहाँ से मोबाइल को ऐसे गुजारते हैं, और अब देखो नीचे नज़र आ रहा है। वीडियो बंद हो गई थी लेकिन कोई बात नहीं है। देखो ये अडीनियम पड़ा हुआ है यहाँ पे, हमने निकाल के रखा हुआ बगैर खाद मिट्टी के। ये देखें ब्लर आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। जाके जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करो। आज फिर जुम्मे, हम आपको मिलेंगे जुम्मे के बाद, या फिर पोतस बांधने। देखें काफ़ी मर भी जाती हैं, है ना, तो काम ऐसा करते हैं आप लोग जाके लाइक और सब्सक्राइब करो, फिर हम यूँ गए यूँ आए, और फिर आपको कुछ सुनाएंगे, कुछ बताएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन। खुदा नहीं नहीं खुदा हाफिज़ नहीं, हम पोतस बांध रहे हैं, ये गोल्डन पोतस बांध रहे हैं। देखो उसके आगे फिर फिर आगे वो मोन्स्टेरा, सही है ये मोन्स्टेरा 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 के आगे ये वाली, ये है मार्बल कॉइन, ठीक है। जूम आउट करते हैं तो हमारे पास है फिर इधर ग्रीन ब्रासिल, उसके आगे फिर लेमन फिल्ड्रन, फिर आगे है ग्रीन पोथस, फिर आगे वो है लेमन ब्रिसा ब्राज़ील, फिर उसके आगे देखें तो वो है ग्रीन पोथस, फिर उसके आगे मार्बल कॉइन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्क एंड व्लॉग। सो आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, आप लोग जाकर लाइक सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, और फिर मिलते हैं। ये देखो भाई अब हम उठा रहे हैं 18 वाले गमले, और उसके बाद हमने लगानी है वो कटिंग जो ये पड़ी हुई, ये मैं आपको दिखाता हूँ वक्फे के बाद। पहले हम अपने गमले उठा लें 18 इंच वाले, ठीक है कमर सही है? नहीं मज़ा आ रहा, नहीं आ रहा मज़ा ही में आ रहा है। हम आ गए वापस, और हमने कर दिया अपना काम पूरा, ये मार्बल कॉइन का पूरा कर दिया। जुम्मे से पहले मिट्टी भी डाल दी इसमें, लेकिन दो गमले रह गए, और अभी भी बहुत ये देखें बिखरी हुई है, अभी भी मार्बल कॉइन फिशर वाले गमले में पड़े। ये गमला 16 इंच का है, और ये वाला 12 इंच का है, और बल्कि वो वाला 14 इंच का, ये 12 इंच का। और जो सुबह हम बांध रहे थे पोथोस, वो हमने एक साइड बांधी और एक साइड छोड़ दी, क्योंकि ये अभी थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। देखें इसमें कितनी मरी हैं, देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और ये हमने बिस्किट खाया जुम्मे से पहले, क्योंकि हमारा काम इतना वजनी कि सुबह जो हम नाश्ता करके आते हैं ना, वो तकरीबन 11, 10, 10:30, 11 इसके बीच में हज़म हो जाता है, फिर हमें बिस्किट मंगाने पड़ते हैं खाने से पहले। हमारा खाना भी लेट होता है, आप खाते होंगे खाना 12:30-1 बजे, हम खाते हैं 2:30-2:30 बजे, क्योंकि हमारा काम ऐसा है थोड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है हमारा। सुनाओ लेट्स स्टार्ट द वर्क। ये देखो पान, और वो देखो पान, कितना मैं आपको पान दिखाऊंगा, और आज बहुत दिनों बाद मैं आपको दिखाता हूँ बुलबुल के बच्चे, देखते हैं कितने बड़े हो गए। तो भाई यहाँ से चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आपको भी लोकेशन पता चल जाए कि बुलबुल के बच्चे कहाँ पड़े हैं। सो चलते जाओ चलते जाओ। ये देखो हमारी फरन, जिसको मैंने आपको वीडियो दिखाई, जिसके पत्ते देखो आप पीछे देखो येलो कलर के, ये फरन आप मुझे भेजो ताकि हम ये देखें, इसमें नहीं है इसमें देखें, देखें दोनों में देखें,
ये फ़रन है, ये भी फ़रन है, ये है हमारा जीजी प्लांट जो हम बेचते ही नहीं है, अपने शौक के लिए बनाते हैं। बुलबुल बुलबुल देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। ओ हो, ना बुलबुल है ना बुलबुल का घोंसला। पिछली वीडियो में मेरे आप देखो इसी पौधे पे बुलबुल के बच्चे पड़े हुए थे और बुलबुल भी रहती थी यहाँ पे, लेकिन बुलबुल भी नहीं है और ना ही बुलबुल के बच्चे हैं। तो मतलब इसका मतलब बुलबुल अपने बच्चों को भी ले गई, अपना घर भी यहाँ से उठा के ले गई। और ये देखो ये हमारे पड़ोसी हैं, पता नहीं क्या ऊपर क्या गया हमारे, ये हमारा सारा छपड़ा जो है फट फूट ऐसे गया। उधर के सामने जाली की कंडीशन सारा ऐसी ख़राब हो रहा है। सब मिलते हैं आपको बाहर जाके। देखो भैया अभी लगा रहे हैं हम चंपा, ये देखो इसके बड़े बड़े डंडे, उनको लगाना कैसे सिर्फ मिट्टी में। ये देखो ये तकरीबन 2 महीने तो पक्के इसको तैयार होते लगेंगे। पहले ये मुरझाएगा, फिर पत्ते गिराएगा, फिर दोबारा से ग्रो करेगा, फिर जड़ें मारेगा, यानी कि बहुत लंबा टाइम है। और ये नड़ी एक बहुत ही गंदी है, ये वहाँ फैली हुई ने देखो वहाँ, और अब यहाँ देख लो, देख रहे हो कितना फासला ये की है दोनों। हाँ वो देखो कितनी बड़ी यहाँ तक, ये पूरी अगर हम ना निकालें पूरी जगह भर देगी, इतनी गंदी हो रही है। देखो ये कासिया है, सिट्टे वाला कासिया, इसके ऊपर इतने इतने तकरीबन ऐसे कोनी तक बोल लो हाथ से बड़े बड़े फूल आते हैं इसमें सर्दियों में। और देखो फूल भरे में आपको गमले नज़र नहीं हो रहे। और ये हमारी बोनसाई आर्ट, आपको अपनी बोनसाई आर्ट दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं बोनसाई आर्ट, रस्सी बंधी हुई है और कहीं तो गमले फंसे हुए हैं, गमले लटके हुए हैं। वो देखो गमला लटका हुआ है, ये गमला लटका हुआ है, वो गमला फंसा हुआ है, एक वो सामने गमला फंसा हुआ है उंगली की सीध में। तो ये है हमारी बोनसाई आर्ट, ये है फाइकिस की। अभी इन पर तकरीबन 3-4 साल लगेंगे तब जाके पूरा बनेगा। और जब कस्टमर आते हैं वो बोलते हैं अरे नहीं है तो ऐसे तैयार हो जाते हैं, अरे भाई टाइम लगता है। देखो बोल आएगी, देखते हैं फटी हुई है ये सही है। फटा बोल, ओह इज़ अ बैड डे, फटी हुई बोल है, देखो फटी हुई बोल। ये देखो बोनसाई आर्ट, आपको बाद में दिखाता हूँ, अभी हम लगा रहे हैं अपने। देखो मैं आपको दिखाता हूँ चंपा, अभी लगा रहे हैं हम चंपा। ये देखो ये कटा हुआ आया किसी बंगले से हमारे पास, इसको हमने लगाना है। और ये इंपोर्टेड वाला वाइट फ्लावर वाला चंपा है, बहुत कलर होते हैं इसमें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्क, और आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और देखो हमारा जंगल पाम नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि धूप है, इधर हम छाँव की साइड खड़े हुए, या पीछे हमारे घर लगा रहे हैं चंपा। ये देखो भाई अभी हम पी रहे हैं सेवन अप, मैंने आपको बताया हमारा बीपी लो हो जाता है, खाना पी लीजिए भैया, हमारा काम है ऐसे, हम दिन में 4-5 दवा खाते हैं, कमर से भी पूछ दे जाते हैं। ये कभी बिस्किट खाते रहते हैं, कभी चाय चलती है, कभी पानी, कभी रोटी, सब कुछ चल जाता है, क्यों हमारा बीपी लो हो जाता है। देखो बोतल चल रही है अभी, पोते जा रहे हो पत्ता है इन्हें, तू क्या मिलते ये मुर्शिद कुमार दे ना जवाब, अभी कुछ अच्छा लग रहा है। भाई बोतल हम इसलिए पीते हैं क्योंकि हमारा बीपी लो हो जाता है। जवाब तू भी के दिखा, तेरा भी बीपी लो है? नहीं मैंने बहुत कहा। अभी अभी जवाद आपको बोतल पी के दिखाएगा, चल जवाद ये देखना आप इसके शश के। जवाद ये क्या हो रहा है? बरसात के आलम में हो वाह, जवाद तो लुपोदे पहन उठा मान के शश के दिखाओ सामने। यार सामने जवाद और कमर, और यहाँ हम अपने कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, क्योंकि हो गई शाम, चलते हैं यहाँ से अंदर, देखते हैं कोई है तो नहीं कोई। अरे बच्चा हमने आपको दिखाया कि वो बच्चे जो बैठे हुए थे ना वहाँ पे, ड्रैगन स्पाइडर ड्रैगन या ड्रैगन ऐसे इसका नाम है, स्पाइडर ड्रैगन शायद बोलते हैं इसको, ये जो बड़े वाला खड़ा हुआ है।
और इस पौधे पे जहाँ मेरी उंगली जा रही है यहाँ पे बैठे हुए थे बुलबुल के बच्चे। सो बुलबुल के बच्चे बड़े हो गए तो अपने अपने सफर के लिए चल गए कहीं आँख नैन मटका करने। सुनाओ लाइक जल्दी जल्दी जाकर लाइक और सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को और जल्दी जल्दी यार सपोर्ट करो। मिलेंगे आपको एक और नए ब्लॉग में, अपना बॉडी ख्याल रखें और ऐसे मिलते रहेंगे आपको। जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करो। बाकी खुदा हाफिज़।